भाई तो वगैरह कपड़ों को समझते हैं इसके अंदर जाना थी तो शहर जाने बड़ा प्रचार बहुत बड़ा भाग से प्रचार कर रहे थे हम सब रह गए थे हम हमारे वेस्टर्न थे तो हम तक का समय लगा हुआ है उसके बाद का प्रदेश है तो वगैरह कपड़ों को बहुत सुविधा वगैरह कपड़ों को प्राय 21 वर्ष तक जाने थे तो जैसे मैंने वगैरह कपड़ों को जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिप्राजाक्ष चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की इस्कॉन विप्र संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिप्राजक आचार्य स्तोत्र से श्रीमद इस डिवाइन ग्रेशियस भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री रंगदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद की
श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज श्री गिरि गोवर्धन की, ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री प्रभुपाद ट्रांसलेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, ताइ गोट प्रेमानंद के ऑल बुद्धिस्ट असेंबली डिवोटीज, ऑल बुद्धिस्ट असेंबली डिवोटीज, ऑल बुद्धिस्ट असेंबली डिवोटीज, ऑल बुद्धिस्ट श्री गुरु एंड श्री गुरु राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदेव गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। भगवद गीता श्रीमद भगवद गीता अध्याय चार, अध्याय शीर्षक दिव्य ध्यान, श्लोक क्रमांक चार। अर्जुन उवाच, अपरं भवतो जन्म जन्म विभस्मतम् उपदेश दिया इति इस प्रकार।
अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा में होती है चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, अभी तो यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएंगे। कृष्ण परम प्रमाण हैं, यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता है, केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, जो कि कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिसने कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति आप अपने लिए तोड़ मरोड़ करने करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए यह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विजय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों को हृदय में हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के लिए के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वो लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों से अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरी प्रार्थना, मेरा प्रणाम और उनके आशीर्वाद का अभिलाषी प्रेमानंद प्रभु और इस्कॉन भुवनेश्वर के जितने भी भक्तगण मैनेजमेंट में, आश्रम में, कॉन्ग्रीगेशन में हैं, उन सभी का मैं कृतज्ञ हूँ कि आज संध्याकालीन सत्र में कुछ कथा करने का अवसर दिया। हरे कृष्ण। प्रेमानंद प्रभु के साथ तो हमारा बहुत पुराना परिचय है, वर्चुअल परिचय पहले से था। इस्कॉन की दुनिया में सर्वप्रथम जब टेलीविजन में हरिदास प्रभु ने ITV को लॉन्च करके आत्मा सीरियल आरंभ किया था, उस समय
वो वहाँ हरिदास प्रभु के साथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में और डायरेक्टर के रूप में थे। और तभी मैं नया नया ब्रह्मचारी था और ये मुझे डायरेक्ट करते थे कि किस तरह से कैमरा के सामने बोलना है वगैरह वगैरह। तो आज भी मैं उनके सामने वैसे ही बैठा हूँ, वो जैसा डायरेक्ट करेंगे वैसा बोलेंगे। तो भगवद गीता का ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण, चौथे अध्याय का भगवत ज्ञान क्या है इसके विषय में कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व प्रेम तत्व सार भाव तत्व रस तत्व लीला तत्व आर। ये छह तत्व कुल मिलाकर संपूर्ण भगवत ज्ञान के तत्व हैं। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व, ये सभी आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में उपस्थित है। श्रील प्रभुपाद जी को आरंभ के दिनों में जब वो गृहस्थ थे, झांसी में थे, उस समय प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखी थी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। तो प्रभुपाद जी ने वो जो बुक है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा, वो बुक प्रभुपाद जी ने अपने एक मित्र को दिखाया और कहा कि ये बुक ले लो। वो बुक को देखकर उनका मित्र बोलता है, ये बुक को पढ़ के मुझे क्या मिलेगा? तो प्रभुपाद ने कहा, ये बुक को पढ़ोगे तो आप गोलोक वृंदावन धाम तक पहुंच जाओगे। उसको सुनकर उनका मित्र कहता है, गोलोक वृंदावन जाकर मैं वापस झांसी आ सकता हूं क्या? तो प्रभुपाल ने कहा, नहीं वापस तो नहीं आ सकते, नहीं नहीं ठीक है। तो ये जो ग्रंथ है आपको भगवत धाम लेके चलेगा। बॉम्बे के एक प्रोग्राम में मैं जा रहा था, रास्ते में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, और उसमें लिखा हुआ था सुख शांति अपार्टमेंट अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये भौतिक जगत की संक्षेप में कथा है। तो इसीलिए उद्धव जी क्या कहते हैं, तापत्रयेण भीतस्य भोरे संतप्य मानस्य भवाद्वनिश पश्यामि नान्यत् शरणं तवाङ्घ्रि द्वन्द्वात् पत्रात् अमृताभिवर्षा। कहते हैं इस जगत के त्रिविध ताप से मुक्त होने के लिए केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही एक आश्रय है। संतप्य मानस्य भवाद्वनिश, और जो जीव विभिन्न भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने की लालसा से संतप्त हो रहा है, इस दावाग्नि से मुक्त होने के लिए एकमात्र आश्रय है श्री कृष्ण के चरण कमलों का अवलंबन। पश्यामि न अन्यत्, मैं नहीं देखता अन्य कोई उपाय, शरणम तवांगी, आपके चरण कमलों का शरण ही एकमात्र उपाय है। अमृताभिवर्षा, श्री कृष्ण के चरण कमल एक इस प्रकार के छतरी की भांति है, जो सामान्य छतरी नहीं, सामान्य छतरी ऊपर से आते हुए वर्षा से हमें बचाती है। श्री कृष्ण के चरण कमल एक ऐसी छतरी का कार्य करती है जो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के उत्पातों और आपत्तियों और समस्याओं और हर प्रकार के अड़चन बाधाओं के मूसलाधार वर्षा से हमें बचाए, और साथ साथ उस छतरी के भीतर से श्री कृष्ण की सेवा और प्रेम की अमृत वर्षा की बूंदें छलकें। ये श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रय का प्रभाव है। कृष्ण को हे आम भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़े विष मांगे यही परम,
जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर विषय सुख मांगता है वो अमृत को छोड़कर विष मांगने के तुल्य है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मेरे पास आकर भौतिक इच्छा मांगे कि भाई मेरे लिए ये भौतिक इच्छा पूर्ण करो, ये भौतिक इच्छा पूर्ण करो। कई बार होता है कि हम लोग मंदिरों में भी जाकर भगवान से भी आकांक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये भौतिक इच्छा पूर्ण करो, भौतिक इच्छा पूर्ण करो। कई साल पहले मैं जब नया नया भक्त था, मंदिर में पुजारी का कुछ सेवा कर रहा था, एक नौजवान व्यक्ति आए, 20-22 वर्ष की आयु होगी, एक थैला लाके दिया और कहा ये भगवान को ऑफरिंग कर देना। मैं थैला खोल के देखा, अंदर देखा क्या था, बॉक्सिंग ग्लव्स। बॉक्सिंग का ग्लव्स देख के मैं बोला यार पागल है क्या, भगवान को बॉक्सिंग ग्लव्स ऑफर करने का, किसने सुनाया आपको? वो बोला मैं अभी अभी गीता कोर्स अटेंड किया आप लोगों का, और भगवत गीता कोर्स में बताया जो कुछ भी आप लो सबसे पहले कृष्ण को ऑफरिंग करो। बोला मैं तो बॉक्सर हूं, नया नया ग्लव्स खरीदा, मैंने कहा भगवान को ऑफरिंग करेंगे इससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर मुझे देख के बोला आप इतना प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, आप तो पुजारी हो, चुपचाप ऑफरिंग करो। तो फिर मैंने ऑफरिंग करने के बाद वो ग्लव्स उसको देते हुए पूछा अब बताओ ये ग्लव्स का तुम करोगे क्या। वो बोलता है जिसको मारूंगा उसको राधा गोपीनाथ का महाप्रसाद मिलेगा। ये उसके मन की कल्पना थी। तो मैंने कहा आपने कोर्स में ये नहीं सुना क्या कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या दूसरों को मारना है। दुर्लभ मानवो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनं। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, इससे अधिक दुर्लभ मानव जीवन में स्वस्थ शरीर प्राप्त करना। जिसको स्वस्थ शरीर प्राप्त भी हो जाए तो भी सत्संग की ओर प्रवृत्त करने वाली सत्बुद्धि उससे अधिक दुर्लभ है। और ये केन प्रकारे में भगवान की अनिर्वचनीय कृपा के परिणाम स्वरूप अगर कोई सत्संग में भी आ जाए लेकिन उस सत्संग में वैष्णव के साथ स्नेहिल परिवेश में स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हुए अपराध से वंचित होकर व्यवहार करना है उससे अधिक दुर्लभ, और तब जाकर हम भगवान की शनि शनि कृपा का आस्वादन करने लगे। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनं। तब जाकर ऐसे दुर्लभ मानव जीवन में दुर्लभ वैष्णव सत्संग में वैष्णव को संतुष्ट करके हम ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। इस आध्यात्मिक ज्ञान को संस्कृत में दो शब्दों से संबोधित किया गया है, एक है विद्या, दूसरा है शिक्षा। विद्या शब्द विद धातु से आता है, अर्थात किसी वस्तु या किसी विषय की जानकारी, उसको कहते हैं विद्या, जो अंग्रेजी में कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जानकारी, विद्या विद से आता है टू नो। शिक्षा दूसरे धातु से आता है जिसका नाम है शस, शस अर्थात टू कंट्रोल, टू रूल, नियंत्रण करना, किसी के ऊपर राज करना, किसी को नियमों के अंतर्गत बांध देना, अर्थात वो पद्धति जिसमें इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले को अपने आप को अनुशासन के अंतर्गत बांधना है।
जो इस ज्ञान के द्वारा अपने आप के ऊपर शासन करे, इसलिए उसको कहते हैं शिष्य। शिष्य अर्थात वो जो आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान वितरण करने वाले गुरु के आदेश के अनुसार बंधन में आने के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए शिक्षा, जैसे विद्या का अर्थ क्या है, इंफॉर्मेशन, लेकिन शिक्षा का अर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ज्ञान तो आपको इंटरनेट पर खूब मिलेगा, आज गूगल से बड़ा गुरु कोई है क्या? जो भी ज्ञान चाहिए आप गूगल में डालो मिल जाए। लेकिन ये आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान, जब तक हम अनुशासनबद्ध जीवन नहीं जिएंगे और अन्य किसी व्यक्ति के चरणों का आश्रय लेकर उनकी सेवा नहीं करेंगे, हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश की यात्रा करने से पूर्व जब जगन्नाथपुरी में अपने सभी अनुयायी भक्तों से विचार विमर्श कर रहे थे कि मैं क्या करूं, और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सभी से अनुमति ली और महाप्रभु कहने लगे कि मैं दक्षिण देश की यात्रा में जा रहा हूं। नित्यानंद प्रभु बोले मैं भी आऊंगा। महाप्रभु बोले अरे तुमने तो मेरा डंडा पहले ही 3 बार तोड़ के फेंक दिया, दंड भंगा, तो फिर आप आओगे तो और क्या क्या उत्पात मचाओगे, कोई भरोसा नहीं। मुकुंद बोले मैं भी आऊंगा। महाप्रभु बोले आप मेरी तपस्या को देखकर परेशान हो जाते हो, तुम मत आओ। दामोदर पंडित बोले हम आएंगे। महाप्रभु बोले आप इतना डांटते हो फटकारते हो मुझे कि उसको देख के दूसरे लोग बेबिलर हो जाए। फिर जगदानंद पंडित बोले हम आएंगे। महाप्रभु बोले आप हमको इतना सारा शारीरिक सुख देने का प्रयत्न करते रहते हो, वो मेरे प्रचार के लिए अनुकूल नहीं होगा। तो महाप्रभु देख रहे थे कि सभी जितने भक्त लोग हैं महाप्रभु के साथ यात्रा करने के लिए बहुत आतुर हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोले विश्व रूप सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल दक्षिण देश उद्धारी। महाप्रभु बोलते मैं दक्षिण भारत की यात्रा क्यों करने जा रहा हूं, अपने भाई विश्वरूप को ढूंढने जा रहा हूं। आप ये मत समझो कोई यात्रा है, मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, पारिवारिक समस्या है, उसको सुलझाने के लिए जा रहा हूं। तो उसको सुनकर सब लोग बोलेंगे अरे फैमिली प्रॉब्लम आप ही। अगर बोले यात्रा चल रहा है, यात्रा में जा रहे, कोई आना है क्या, सब आ जाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु बोलते हैं विश्वरूप घूमने जा रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि विश्वरूप तो पहले ही पंढरपुर में समाधि प्राप्त कर चुके थे और महाप्रभु को इस बात की जानकारी थी। विश्वरूप सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल, विश्वरूप की सिद्धि हो गई है, श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को जानते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने छल का आश्रय क्यों लिया, दक्षिण देश उद्धारित छल, दक्षिण देश का उद्धार करने श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले जाना चाहते। तब प्रश्न उठता है कि ऐसा छल करना उचित है क्या, ठीक है क्या किसी के साथ हम छल करें? तो कहते हैं कि महाप्रभु कृष्ण भक्ति का उद्धार करने हेतु इस प्रकार का वो छल किए। तो जब संजय धृतराष्ट्र को और गांधारी की सेवा कर रहे थे
विदुर जी आकर जब धृतराष्ट्र और गांधारी इत्यादि को शिक्षा दिए, उनकी शिक्षा से प्रभावित होकर धृतराष्ट्र वानप्रस्थ के लिए निकल गए। इस समाचार को जब युधिष्ठिर महाराज ने उनके राजमहल में प्रवेश करके धृतराष्ट्र के अंतः कक्ष में जाकर देखा कि धृतराष्ट्र अब अपने स्थान पर नहीं, विदुर और गांधारी को लेकर वो निकल पड़े, युधिष्ठिर महाराज के मन में पहला प्रश्न उठता है कि क्या मैंने कोई अपराध किया हो, कोई अपमान किया हो, कोई दुर्व्यवहार किया हो जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज हमसे खिन्न होकर अप्रसन्न होकर यहां से निकल गए, कहां चले गए बिना विचार किए, बिना विचार विमर्श किए, बिना हमें सूचना दिए। युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े वैष्णव हैं कि जिस व्यक्ति ने कई बार युधिष्ठिर और संपूर्ण परिवार की हत्या करने का प्रयास किया हो, धृतराष्ट्र अपने ही हत्यारे के साथ इस प्रकार व्यवहार करने के लिए वो तैयार है। युधिष्ठिर भागे भागे जाते हैं, संजय को पूछते, संजय आप तो युधिष्ठिर महाराज के बड़े निजी के सचिव रहे, आपको अवश्य इस बात की जानकारी होगी कि वो कहां गए, बताइए। युधिष्ठिर महाराज के हृदय के इस व्यवस्था को देखकर, उनके हृदय की पीड़ा को देखकर संजय कहते हैं, पितृनंदन गंधर्यावा महाभाग मुषितोस्मि महात्मा भी। नहीं युधिष्ठिर महाराज, न अहम वेद व्यवसितम, मुझे इस बात की जानकारी नहीं, पित्रोर्व कुलनंदना कि मेरे पूजनीय धृतराष्ट्र, मेरे स्वामी विदुर जी ये लोग कहां गए। मुषितोस्मि महात्मा भी, युधिष्ठिर महाराज संत लोगों ने मुझे ठग दिया है, महात्माओं ने मुझे ठग दिया है। मुषितोस्मि अर्थात ठगना। अब प्रभुपाद जी प्रश्न पूछते हैं, अरे महात्मा लोग कभी ठगते हैं क्या, और जो ठगे किसी को वो महात्मा हो सकता है। फिर प्रभुपाद अपने अनुवाद में ट्रांसलेशन के बाद परपोर्ट में पहला लाइन लिखते हैं, दैट ग्रेट सोल्स चीट अपीयर टू बी सरप्राइजिंग बट ग्रेट सोल्स चीट फॉर अ ग्रेट कॉज। कि महात्मा गण किसी को किसी के साथ छल नहीं करते, लेकिन अगर महात्मा गण किसी के साथ छल करते हैं तो वो किसी महान कार्य को सिद्ध करने के लिए। इसीलिए यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को भी अर्ध सत्य बोलना पड़ा, अश्वत्थामा हतम, रघुनाथ दास गोस्वामी भी छल करके निकले, सनातन गोस्वामी भी छल करके निकले, वैसे कभी कभी इस परिस्थिति में थोड़ा बहुत छल करना पड़ता है। ग्रेट सोल्स चीट फॉर अ ग्रेट कॉज। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब डेट्रॉइट में थे तो बड़ा फिशर मैंशन एक बिल्डिंग था, करोड़ों रुपए का था वो, उसको देखकर कोई सोच नहीं सकता था कि हम लोग खरीद पाएंगे। प्रभुपाद अपने भक्तों को लेके घुस गए उसमें और बोले, देखते हैं अपन इसको खरीद पाते हैं कि नहीं। भक्त लोग बोले, प्रभुपाद जी अपना जेब तो खाली है। प्रभुपाद ने कहा, चल के तो देखते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है कि मन में क्या स्वप्न है उस स्वप्न और उस आशा को लेके चलो और कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कृष्ण के ऊपर अवलंबन होना, ये कृष्ण भक्ति है। अगर सब कुछ योजनाबद्ध अवस्था में चले और सब
कुछ पूर्व संकल्पित कार्य के अनुसार ही चले उसको तो कर्म कहा जाएगा। कहां भगवान और भगवान की कृपा पर आश्रय। तो इसलिए प्रभुपाद जी अंदर प्रवेश की आलिशान बिल्डिंग, उसमें हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उसमें कई 20-30 तो कमरे हैं। उन कमरों को देखकर हर एक कमरे में दुनिया के किसी दूसरे कोने से आर्किटेक्चर है। अब बाथरूम में अंदर जाओ तो टाइलिंग के बीच में जो है सोना है, प्लेटेड, सोना प्लेटेड है। मैं गया हूं, देखा हूं कई बार, और ऐसा सोने का प्लेटिंग लगा हुआ है उसमें। और टाइल्स के बीच में और जितना शवर का है, वॉश बेसिन का है, सब गोल्ड प्लेटेड। उसको देखकर कुछ लगेगा ही नहीं बाथरूम में कुछ करूं, इतना जबरदस्त। तो ये सब प्रभुपाद देख रहे हैं। फिर प्रभुपाद घूमते घूमते बोल रहे यहां हमारा मंदिर होगा, भगवान का विग्रह डीटी यहां बैठेंगे। भक्त लोग देख रहे हैं यहां। फिर प्रभुपाद बोले यहां हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम होगा। ब्रह्मचारी लोग देख रहे, अरे बाप रे। फिर बोल रहे यहां पर हमारा ये होगा वो होगा, और सब भक्त एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई होगा कब होगा कैसे होगा। फिर प्रभुपाद पूरा अपना टूर कंप्लीट करने के बाद साथ में जो एजेंट है, मालिक, जो मतलब मालिक और इनके बीच में जो सौदा कराएगा एजेंट, उसको देखकर प्रभुपाद बोले जबरदस्त बिल्डिंग है, राजा महाराजाओं के लिए योग्य। तो बहुत खुश हो गया, सर हिलाने लगा। प्रभुपाद बोले लेकिन हम भिखारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं, दान में दे दो। अब वो एजेंट को ऐसा झटका लगा क्योंकि उसने बहुत सौदा पहले किया लाइफ में, लेकिन कभी ऐसा सौदा नहीं देखा कि सामने वाला बोल रहा है सीधा दे दो। अब वो एजेंट भक्त लोगों को देखने लगे कि भाई समझाओ अपने गुरु को। अब भक्त लोग एजेंट को नहीं देख पा रहे थे, भक्त लोग प्रभुपाद को भी नहीं देख पा रहे थे, ऊपर देखने लगे कि कृष्णा तुम ही कुछ कराओ। और देखते ही देखते सामने से अम्बरीश प्रभु कुछ पैसा दिए, लेखा श्रवंती देवी कुछ पैसे दिए, और जितना उसका वैल्यू था उसका एक छोटा परसेंटेज में वो पूरा प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी प्रभुपाद जी ने खरीद लिया। अगले दिन और कुछ दिनों के बाद वो एजेंट अपना ट्रक लेके आके सारा सोने का फिटिंग विटिंग निकाल रहा था। तो उसको पकड़े, बोले यार तुमने तो बेच दिया, क्यों निकाल रहा है? बोलता यार तुम्हारा जो गुरु जी है ना बहुत होशियार निकला, मैं इतना सस्ते में कैसे मान गया, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। तो फिर मैंने हिसाब लगाया, मैं तो बहुत घाटे का सौदा कर दिया, इसलिए घाटा कम करने के लिए सोचा थोड़ा यहां का माल लेके जाऊं। तो प्रभुपाद बोलते थे Nobody could cheat me because I was Calcutta boy. कलकत्ता से मैं हूं। तो प्रभुपाद जी पूरे इस्कॉन को पूरे विश्व भर में ऐसे विपरीत परिस्थितियों में खड़ा किए जो कोई सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो इसलिए महाप्रभु भी गए पूरे दक्षिण भारत का उद्धार करने, दक्षिण देश उद्धारिते और इन सबार वश प्रभु ये गुणे
दो चारों पछले परे गुण आस्वादने। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों की निंदा कर रहे हैं। लेकिन क्या महाप्रभु सब भक्तों की निंदा कर रहे हैं? नहीं। दोषारोप छले कोरे गुण आस्वादने, ऐसा लग रहा है कि दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु वास्तव में इन सभी भक्तों के गुणों का आस्वादन कर रहे हैं। महाप्रभु इस सिद्धांत को ध्वनित करना चाहते हैं कि जो मेरा भक्ति करे, मैं ऐसे भक्त की भक्ति के प्रेम के रज्जू से बंध जाता हूं। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य वश्यता स्वशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं पशे। दामोदर लीला इसलिए रचाई गई जिससे लोग समझ जाएं कि भगवान एक बार प्रेम के बंधन से, यशोदा माई के प्रेम के बंधन से बंध जाते हैं तो कोई उसको नहीं छुड़ा सकता। स्वमातु स्विन्नगात्राय विसृष्ट कवर सृज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबन्धने। दशम स्कंद भागवत वर्णन आ रहा है। स्वमातु स्विन्नगात्राय, यशोदा माई कृष्ण को बंधन में लाने का प्रयत्न बारंबार कर रही थी, उनके इस परिश्रम के कारण उनके सारे केश बंध छूट गए। केश बंध में स्थित मल्लिका पुष्प धरती को चूमने लगे। यशोदा माई का संपूर्ण दिव्य देह जो पीले वर्ण के सुंदर वस्त्र से आवृत था और उनके संपूर्ण देह के ऊपर श्रम वारी के बूंदे टपकने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने, दामोदर जी ने जब यशोदा माई के उस स्वरूप को देखा, दामोदर जी आश्वस्त हो गए कि ये एक ऐसी भक्त हैं जिनके लिए अपने जीवन में मुझे बंधन में लाना, मुझे बंधन में लाना, प्रेम के बंधन में लाना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगी, अथक परिश्रम करेंगी। श्रम अर्थात प्रयास, परि अर्थात चारों तरफ, जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं, जो व्यक्ति श्रम को बीच में रखकर चारों तरफ केवल श्रम की ओर ही दृष्टि टिकाते हुए निरंतर प्रयत्न करता रहे और उस प्रयत्न में भले सफल हो विफल हो, लेकिन वो अपने प्रयास के चारों तरफ परिक्रमा करना न छोड़े, उसे कहते हैं परिश्रम। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, अर्थात कृष्ण ये नहीं देखते कि आप कितना दिमाग लगाए हो, कृष्ण ये नहीं देखते कि आप कितने बड़े कलाकार हो, कृष्ण देखते हैं कि आप कितने श्रम के वफादार हो और कैसे निरंतर उनकी साधना में लगे रहते हो। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने, तब जाकर यशोदा माई कृष्ण को बंधन में ला सकी, क्योंकि कृष्ण बंधन में आने के लिए तैयार हो गए। यशोदा माई कृष्ण को बांध दी, दामोदर भगवान बंधन में है, सामने से बलराम जी आते हैं। बलराम जी आकर कृष्ण को देख के कहते, अरे कृष्णा तुझे बांध दिया, ये कैसे हो गया चमत्कार? कृष्ण कहते बलराम को, अरे मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि मुझे छुड़ाओ, ये नहीं कि कमेंट मारो। बलराम जी कहते ठीक है, किसने बांधा? कृष्ण ने कहा और कौन बांधेगा, वही यशोदा मैया। बलराम जी अंदर जाते हैं चिल्लाते हुए, घर के अंदर प्रवेश करते हैं बिल्कुल ड्रामेटिक स्टाइल में। किसने बांधा कृष्ण को?
किसने बांधा, किसका गुस्सा हंसवा कृष्ण को बांधने का? यशोदा माई छड़ी लेके बाहर आई, बोले मैंने बांधा। बता क्या करेगा? बलराम जी यशोदा माई को देख के कहते हैं, आप जानते नहीं कृष्ण कौन है? यशोदा माई ने कहा, बता कौन है? बलराम जी कहते हैं, अरे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राम नरसिंह वामन इत्यादि सारे अवतार उनसे प्रकट होते हैं, आपको पता नहीं? यशोदा माई बलराम जी को देख के बोलते, ऐसा तो तू कौन है? तो बलराम जी कहते हैं, अरे मैं कृष्ण का पहला विस्तारित रूप हूं, संकर्षण वसुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब मुझसे ही प्रकट हुए। यशोदा माई छड़ी ऊपर करती है, बलराम जी को देखकर बोलती है, सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था क्या? और कुछ बोलोगे तुमको भी बांध डालूंगी। बलराम जी कृष्ण के पास जाके बोलते हैं, मैं प्रयास किया फेल हो गया, लेकिन कृष्ण सच बताऊं क्या, तुमने भी कोई कम गड़बड़ थोड़ी किया लाइफ में, इसलिए थोड़े समय बंधन में रहोगे तो अच्छा ही। तो इसलिए दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधन दोषारोप छले कोरे गुण आस्वादन। इसलिए महाप्रभु इस प्रचार कार्य में दक्षिण भारत में अपने किसी अनुयायी को साथ नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि वैष्णव सत्संग बहुत उचित है, अनुकूल है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, लेकिन हर कार्य के लिए, हर सेवा के लिए देश काल और पात्र के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। देश काल और पात्र हर परिस्थिति में लागू होगा। तान समेतान महाभाग उपलब्ध्य वसुतम पूजयानास धर्मज्ञो देश काल विभाग। जब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए अपने आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण पांडव समेत 33 कोटि देवता और कई ऋषि मुनिगण सभी वहां उपस्थित हुए। सभी जानते थे कि भीष्म पितामह का ऐतिहासिक वैकुंठ गमन होने वाला है, ऐसा अवसर कोई छोड़ना नहीं चाहते। भीष्म पितामह ने अपने तिरछी चितवन से देख लिया कि सारे महात्मा गण, सारे महान पूजनीय संतगण, कृष्ण भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं। इन सभी के भव्य आगमन को देखकर भीष्म पितामह के हृदय में एक विडंबना जागृत हो गई। वैदिक सभ्यता और संस्कृति के अनुसार कोई पूजनीय व्यक्ति पधारे तो उसको विधिवत आसन पद्य अर्घ्य इत्यादि षोडश उपचार के साथ स्वागत करना होता है, ये विधि। लेकिन जब अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों ने भीष्म पितामह के सर से नख तक एक एक रोम को भी भेद दिया था, जब भीष्म पितामह अपने अंग प्रत्यंग के एक भाग को भी तनिक मात्र हिला भी नहीं पा रहे थे, तब उस समय क्या करें? करें तो क्या करें? तो उस समय भीष्म पितामह के पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने सोचा क्या करें, स्वागत की विधि छोड़ दें? नहीं, हां, जीवन भर मैं जब ये सभी महात्मा गण मेरे महल में आए, मैंने विधिवत उनका स्वागत किया, लेकिन अब जब मेरे पास आए हैं, मेरे पास सीमित साधन है, इस सीमित साधन से मैं क्या उनको स्वागत करूं कि नहीं करूं? तब उन्होंने विचार किया, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि आपके पास कितना है और कितना नहीं, भक्ति का अर्थ यह है कि जिस सीमा में आप हो, जिस सीमित व्यवस्थाओं के अंतर्गत आप हो,
चाहे आपके पास कितनी सीमित व्यवस्थाएं अवसर क्यों ना हो, कलाएं क्यों ना हो, भक्ति सीमा के ऊपर निर्भर नहीं करता, आपके हृदय की भावना के ऊपर निर्भर करता है। और भीष्म पितामह ने अपने केवल एक अंग जो चल रहा था उनकी जिह्वा, उससे उन सभी आते हुए अतिथियों का स्वागत किया, उनकी स्तुति करके वाणी का प्रयोग किया और वाणी से उनको उन्होंने स्वागत किया। और इसीलिए देश काल विभाग भी इसलिए कहा गया है, ओजयानास धर्मज्ञो देश काल विभाग भी। देश काल और पात्र के अनुसार जो कुछ संभव हो वो हम करने का प्रयत्न करें। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर थे, उनका एक सर्वेंट पीछे पीछे चल रहा था, अचानक सर्वेंट के पीछे कुत्ता लग गया। सर्वेंट कुत्ते को भगाने का प्रयास किया लेकिन कुत्ता और उसके ऊपर हावी हो गया, वो भागे भागे आया, प्रभुपाद प्रभुपाद चिल्लाने का। प्रभुपाद मुड़ के देखे कि उनका सर्वेंट भाग रहा है, पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है। अब सब भक्त लोग खड़े हो गए देखने, ड्रामा क्या होगा। जैसे कुत्ता पास आया, प्रभुपाद नीचे थोड़ा झुके, अपनी छड़ी सर के ऊपर ली, कुत्ते के आंख में आंख मिलाकर प्रभुपाद जोर से चिल्लाते हैं, अमरीकी कुत्ते ने देसी गाली कभी सुनी नहीं, वो घबरा के बैठ गए। भक्त लोग और इंप्रेस हो गए, अरे प्रभुपाद कुत्ते को भी कंट्रोल कर लेते। अब दो तीन साल के बाद वही सर्वेंट जयपुर में थे, प्रभुपाद के लिए रोटी बना रहे थे, अचानक एक बंदर अंदर आ गया। अब सर्वेंट को लगा मुझे तो टेक्निक पता है, हाथ में बेलन उठाया, बंदर को देख के बोलता है हट, बंदर ने बर्तन उठाया देख के मारा। वो भागा भागा प्रभुपाद के पास आया, बोला अरे मैंने तो वही टेक्निक फॉलो किया, आपका कामयाब रहा मेरा विफल हो गया कैसे। प्रभुपाद ने कहा तुमने देखा लेकिन समझा नहीं। तो इसीलिए कभी कभी आपको लगेगा अरे इस भक्त ने इस तरह सेवा की, ये साधन का प्रयोग करके हम भी वो साधन जुटा लें तो अपना भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये भक्ति अगर केवल साधन जुटाने से हो जाता तो ये तो कोई भी कर लेता, साधन जुटाने से नहीं होता, साधना के आधार पर होता है। इसीलिए व्यवसाय, भौतिक व्यवसाय साधन के ऊपर आधारित है, आध्यात्मिक प्रगति और सेवा साधना के ऊपर आधारित है। अमी वृद्ध जरा तो लिखिते का पय कर, मन किच्छु स्मरणे न होए, न देखिए नयने न सुनिए श्रवणे, तब लिखी ए बड़ विस्मय। कविराज गोस्वामी कहते हैं अरे मैं तो 90 वर्ष का हो गया, जब मैं लिख रहा हूं मेरे कर कांप रहे हैं, मन में कुछ स्मरण नहीं आ रहा, कुछ देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी मैं लिखता चला जा रहा हूं, कितनी विस्मयजनक घटना है। तो कहते हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये मेरी शक्ति मेरा सामर्थ्य नहीं, ये वैष्णवों के समुदाय का आशीर्वाद का परिचायक है। वैष्णवे गुण ग्राही देखे दोष, मन वाक्य कोरे वैष्णव संतोष। मन वचन और शरीर से मैं वैष्णवों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करूं, उनका दोष न देखूं। मूर्ख नीच क्षुद्र मोहि विषय लालस, वैष्णवाज्ञा बोले कोरे एतेक सहस। कहते हैं हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, हम मूर्ख हैं, नीच हैं, क्षुद्र हैं, विषय लालसी हैं, लेकिन वैष्णवाज्ञा के अंदर इतना बल है
जिसके कारण कोई दुर्बल व्यक्ति भी, बुद्धिहीन व्यक्ति भी साहस कर सकता है कोई सेवा करने का, अन्यथा अपना निजी कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं। वैष्णवाज्ञा बले करे एतेक साहस, ये वैष्णवों की आज्ञा के बल पर इतना साहस हम कर सकते। श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद के पास आए और बोले, बड़े खेद की बात है कि ये 1969 की बात है, प्रभुपाद मैंने पहले कुछ अपराध किए थे जिसके कारण मुझे जेल में जाना होगा। श्याम सुंदर प्रभु घबराए हुए थे कि प्रभुपाद क्या बोलेंगे। प्रभुपाद ने कहा, ओ जेल में जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। अरे प्रभुपाद ने कुछ बुरा नहीं माना है कि नहीं? फिर प्रभुपाद ने कहा, जेल क्यों जाओगे? क्योंकि अपने को तो पता ही है कि जो जेल है कोई नॉर्मल जगह है नहीं, है कि नहीं? मैं भी एक जेल का प्रोग्राम कर रहा था बहुत साल पहले, 500 लोग सामने बैठे थे, जेरवाड़ा जेल पुणे में। मिनिमम क्वालिफिकेशन वहां मर्डर है, कनिष्ठ और मध्यम कोई आता नहीं वहां पे, सीधा उत्तम लोग ही आते। और जेल प्रोग्राम में एक अच्छी बात क्या है कि एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत नहीं, पब्लिक अपने आप आ जाता है, रेडीमेड क्राउड मिलता है। तो लेक्चर देने के बाद मैंने कहा, किसी का प्रश्न है क्या? तो एक कैदी ने हाथ उठाया, बोला हाँ मेरा प्रश्न है। मैंने कहा पूछो। बोलता मैं स्टेज पे आके प्रश्न पूछूंगा। मेरे बगल में कमिश्नर साहब खड़े थे, मैंने कहा ये स्टेज पे क्यों आना चाहता है भाई, कौन है ये? कमिश्नर साहब कान में बोले, 12 मर्डर किया उसने। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूँ क्या? बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, आने दो, पुलिस प्रोटेक्शन है ना। स्टेज पे आके वो कहता है, अरे आप हरे राम हरे राम, हरे राम को हरे रामो क्यों बोल रहे थे? शास्त्र में राम लिखा है, राम को रामो कैसे कर दिया? सारे कैदी जोर जोर से ताली बजाने लगे, अपने बीच ही पंडित है देखो। तो मैंने कहा कोई आपको आम देगा तो आम का आमो बोल के अगर कोई देगा नहीं खाओगे? बोले आम खाएंगे। वैसे भगवान का नाम ऐसा है किसी रूप में लो। तो फिर बाद में मैंने उसको पूछा, आपको जेल में कैसे आए प्रोग्राम होने के बाद? वो कहता है मैं कोई बड़ा जो क्रोध में मैं आ जाता हूँ तो किसी को मार देता हूँ, तो इस तरह कई लोगों को मार दिया क्रोध में आकर, पागल हो जाता हूँ, मेरा अंधकार छा जाता है। लेकिन जेल में सब लोगों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो उसको क्या काम दिया? जो अंधे लोग हैं, अंधे लोगों के लिए ब्रेल लैंग्वेज में बुक को अनुवाद करना। और वो जेल में कौन सा बुक अनुवाद कर रहा था? भगवत गीता एज इट इज बाय प्रभुपाद। तो इसलिए जो परिस्थिति है कि जेल में आकर भी व्यक्ति सुधर सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि श्याम सुंदर प्रभु जेल में जाने वाले थे, उनका क्या हो रहा था? प्रभुपाद ने पूछा, जेल क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद मैं ड्रग्स के साथ डील कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा, अरे हम भी प्रयाग फार्मेसी चला रहे थे, उसमें क्या है? फिर वो जो भी था वो गए जेल में गए। प्रभुपाद ने कहा, कीर्तन करते रहो, ठीक हो जाएगा। 6 महीने के बाद जेल के वार्डन ने आके बोला, आपको रिहा कर रहे हैं। तो अरे सजा तो लगभग 5 साल की थी, 1974 में निकलना था, 6 महीने में निकाल रहे कैसे? तो वो हमको पता नहीं, ऑर्डर आया है निकलो। अब ऑर्डर आने के बाद नहीं बोल सकते मैं रहूंगा, और अच्छा लग रहा है, निकलना पड़ा। वो वहां से निकले तब जाकर फिर प्रभुपाद ने उनको लंदन भेजा, और लंदन में जॉर्ज हैरिसन को और बीटल्स को प्रीचिंग किया 1970 में। 71 में इंडिया आए, इंडिया में आके क्रॉस मैदान प्रोग्राम किया,
और वो क्रॉस मैदान प्रोग्राम में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज दोनों जुड़ गए। तो श्याम सुंदर प्रभु बंबई में गाड़ी चला रहे थे, जय श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो क्रॉस मैदान के प्रोग्राम की तैयारी में वो कार चला रहे थे फुल स्पीड, अचानक उनकी गाड़ी रास्ते में चलते हुए एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, सामने एक आदमी गिर गए। तो श्याम सुंदर प्रभु ने देखा चारों तरफ पब्लिक घेर लिया गाड़ी को, वो घबरा गए, बोले अब मेरी पिटाई होगी, नाम जप करने लगे। पब्लिक ने अंदर देखा कौन है श्याम सुंदर, वो धोती कुर्ता तिलक विलक लगा कर बैठे। पब्लिक ने सामने गिरे हुए आदमी की धुलाई स्टार्ट कर दी। ये घबरा गए, बोले यार ये क्यों, गलती तो मैंने किया, उसको क्यों मार रहे हैं, समझ में नहीं आए। फिर सोचा शायद इंडिया में वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपने ऊपर आएंगे। उसको पीटने के बाद सब लोग साइड में हट गए, बोले निकलो। तो ये पूछे यार गलती मैंने की, उसको क्यों मारा। एक आदमी बोलता अरे तुम कृष्ण के डिवोटी हो, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमको डिस्टर्ब करने। श्याम सुंदर को बोले यार चमत्कार है देश, यहाँ पे केवल कृष्ण के भक्त का केवल रूप धारण करो तो इतना सम्मान, तो फिर हर कृष्ण के भक्त का कितना बड़ा उत्तरदायित्व है कि कृष्ण के चरित्र और कृष्ण के शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जिए। क्योंकि हम लोगों के हृदय की श्रद्धा का एक आधार बन के चल रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पर अपने भक्तों के प्रेम के रज्जू में बंध गए, और ये प्रेम हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के निकट लेके चलता है। और इसलिए आज के इस श्लोक में दिव्य ज्ञान जो अर्जुन पूछ रहे हैं, वो दिव्य ज्ञान न केवल विद्या है, वो शिक्षा भी है। और जब तक हम किसी सद्गुरु और गुरु परंपरा में आकर प्रवेश करके आश्रित न हो, जब तक वैष्णवों का सम्मान न करें, जब तक वैष्णवों के आदेश को स्वीकार न करें, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए भी सभी वैष्णवों के आशीर्वाद के बिना नहीं जा रहे, उन सभी का आशीर्वाद ले रहे हैं, और तब जाकर वो दक्षिण भारत यात्रा संपन्न कर रहे हैं। आइए हम लोग भी अपने भक्ति के जीवन में निरंतर वैष्णव की सेवा में लगे रहें, और जब वैष्णव प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता से हमारे हृदय के अंदर कृष्ण भक्ति जागृत होगी, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आमे स्वतंत्र जजन नहीं कि पूज्यपाद
अप्रकट पर आम जीसी आपइंटमेंट करने योजना भी करूँ ठीक समय आम राधानाथ स्वामी महाराज को आम जीसी भाव में पायापाई आम योजना करमर गरांगरु आम सहित जोजोग जगन्नाथ इच्छा हूँ स्वतंत्र अन्य भाव प्रभु सेवा ग्रहण करने व्यवस्था कर वे टू पुरी जगन्नाथ विभिन्न सेवा इन पुरी बट ऑन द वे टू पुरी विल कम हियर भुवनेश्वर इज द हेडक्वार्टर एंड विल कम एंड गिव हिज लेक्चर्स एंड एंड डिवोटीज मेक डिवोटीज हैप्पी हियर सो इट इज आवर रिक्वेस्ट एंड फॉर टुडेज क्लास वी आर गिविंग मॉन्यूमेंट टू हिम because of those years of जय श्री प्रभुपाद महाराज जय श्री प्रभुपाद महाराज जय श्री गुरुदेव।